मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में हम इस चैनल के माध्यम से नरेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब ये नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पूरा हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है, जिसका एक वीडियो कल भेज चुके हैं। अगला पॉइंट इंपरेटिव सेंटेंस का, जब रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का भाव प्रकट हो, जब रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेल को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेल को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और मुख्य क्रिया के पहले टू लगा करके उसे जोड़ देते हैं, अर्थात वाक्य इन्फिनिटिव बन जाता है। और उसमें आए हुए सर काइंडली प्लीज आज शब्दों को हटा देते हैं, सर के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, अर्थात सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल है, जैसे गीता सेड प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है इसमें निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि प्लीज शब्द आया हुआ है। इससे हम इसका होगा गीता सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड होगा, गीता रिक्वेस्टेड टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज शब्द हटा दिया गया, मुक्रिया के पहले टू लग गया, गीता रिक्वेस्टेड टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर हो गया। अगला है रवि सेड काइंडली हेल्प मी है। अब यह भी वाक्य देखने से लगता है कि इसमें भी निवेदन किया गया है, तो निवेदन वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब है रवि रिक्वेस्टेड, अब काइंडली सर प्लीज आज शब्दों को हटा देते हैं, काइंडली शब्द हट गया, वो क्रिया हेल्प है, हेल्प के पहले टू लग गया और मी फर्स्ट पर्सन है, चयन बाय सब्जेक्ट हिम हो गया, अब हो गया रवि रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, इसका बन गया। फिर आगे है सुरेश सेड टू हिज टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। अब सर मार्क मी प्रेजेंट, इसे भी देखने से लगता है यह है, इसमें भी रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए ऐसे में भी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल गए, हो गया सुरेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब इसमें भी आया हुआ सर है, सर के लिए सम्मान सूचक शब्द रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली लिखा गया है। इसके बाद मार्क मी फर्स्ट पर्सन चयन बाय सब्जेक्ट हिम हो गया और प्रेजेंट, इस तरह हुआ सुरेश रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली टू मार्क हिम प्रेजेंट, इस तरह ये वाक्य हुआ।